स्टैंडर्ड 8 प्रीवियसली हमने प्रोबेबिलिटी और कंपेयरिंग क्वांटिटी वाला पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। आज हम न्यू टॉपिक मीन्स न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और आपका ये चैप्टर है 6 नंबर का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो नॉर्मली आपको बता देता हूँ स्क्वायर मीन्स क्या। स्क्वायर मीन्स कोई भी आपको एक क्वांटिटी दी है, कोई भी एक क्वांटिटी दी है उसको आप उसी क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या कोई क्वांटिटी दी है आप उसको उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका जो आंसर आएगा ना वो आपका उस क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा। लाइक हम मान लेते हैं हमको पता है कि जो स्क्वायर होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ क्रॉस लेंथ, क्या बोलते हैं, लेंथ क्रॉस लेंथ। अगर हम मान लेते हैं कि 5 मीटर का हमको एक स्क्वायर दिया है, आपको पूछे कि 5 मीटर जो स्क्वायर दिया है उसका आपको एरिया फाइंड करना है, तो 5 मीटर जो लेंथ है उस एरिया उसका अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, 5 क्रॉस 5 मीन्स 25, तो ये मीटर स्क्वायर, ये उसका क्या आ गया, उस स्क्वायर का एरिया आ गया। तो सिंपल स्क्वायर मीन्स कोई भी आपको क्वांटिटी है उसको उसी क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको बनेगा उसको बोलते हैं स्क्वायर। साइड ऑफ द स्क्वायर तो 1 का देखो 1 से 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 क्रॉस 2 मीन्स 4, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर 9, वैसे ही 5 का कितना होता है 5 क्रॉस 5 25, वैसे 6 क्रॉस 6 अपने बुक में करो आप तो कितना आएगा 36, वैसे ही 7 क्रॉस 7 करो तो क्या आएगा आपकी अपनी बुक में करना 49, वैसे 8 क्रॉस 8 करो तो कितना आएगा 64, वैसे 9 क्रॉस 9 आप अपनी बुक में करोगे तो कितना आएगा, 9 9 से कितना होता है 81, वैसे ही 10 क्रॉस 10 करोगे तो कितना आएगा, तो 10 क्रॉस 10 मीन्स कितना आएगा 100। ओके तो सिंपल कोई भी आपको क्वांटिटी ए दी है तो ए का स्क्वायर मीन्स ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो जो आपको बनता है वो आपका स्क्वायर। तो जो ये ए स्क्वायर जो दिया है ना वो ए का स्क्वायर। तो देखो ये टेबल आपको याद करना है, इसके लिए आपको नंबर अलग अलग दिए, तो 1 क्रॉस 1 तो आंसर 1, 2 क्रॉस 2 4, 3 क्रॉस 3 9, 4 क्रॉस 4 16, वैसे आपको 100 तक दिया है, ये 1 to 10 का दिया है, वैसे ही 11 से 20 का आपको दिया है तो 11 क्रॉस 11 तो 121, 12 क्रॉस 12 तो 144, 13 क्रॉस 13 तो 169, 14 क्रॉस 14 तो 196, 15 क्रॉस 15 तो 225, 16 क्रॉस 16 तो 256, 17 क्रॉस 17 तो 289, 18 क्रॉस 18 तो 324, 19 क्रॉस 19 तो 361, 20 क्रॉस 20 तो 400। तो वैसे 21 से 50 का भी आपको थोड़ा दिया हुआ है, देखो 21 का 441 तो 21 क्रॉस 21 करोगे तो 441 आ जाएगा, 22 क्रॉस 22 करोगे तो 484 आ जाएगा, 23 क्रॉस 23 करोगे तो 529 आ जाएगा, 24 क्रॉस 24 करोगे तो 576 आ जाएगा, 25 क्रॉस 25 करोगे तो 625 आ जाएगा, 30 क्रॉस 30 करोगे तो 900 आ जाएगा, 35 क्रॉस 35 करोगे तो 1225 आ जाएगा, 40 क्रॉस 40 करोगे तो 1600 आ जाएगा, 45 क्रॉस 45 करोगे तो 2025 आ जाएगा, 50 क्रॉस 50 करोगे तो 2500 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप अलग अलग प्रोसेस कर सकते हो। ओके हवे सॉरी ऐसे ही हम आगे देखते हैं, तो 10 20 80 यहाँ पे देखो ये कह दिया है कि अगर लेफ्ट साइड पे 10 है तो राइट साइड पे उसकी जो प्रोसेस करोगे तो 20 आ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर तो यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 लिखा पहले, ये यहाँ पे 10 था तो 10 का 00, 80 तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 00। मीन सिंपल जब भी जीरो वाली बात आती है ना, तो जब भी जीरो वाली बात आए तो आगे जो आपको जो भी दिया है डिजिट उसका सिंपल स्क्वायर कर दो, क्या आगे जो भी डिजिट दिया है उसका सिंपल स्क्वायर कर दो, और जो पीछे दिए है उसमें अगर 10 है तो डबल करो, डबल है तो 4 कर दो। तो देखो यहाँ पे नीचे दिया है एक एग्जांपल, तो यहाँ पे 20 दिया है, देखो नीचे 100 स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला पहले 1 का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 00 तो 00 का 4, फिर यहाँ पे 200 तो यहाँ पे 20 है तो 2 का 4, यहाँ पे भी 2 का 4, यहाँ पे भी 2 का 4, और अगर आगे सिंपल देखो 2 का स्क्वायर 4 7 का स्क्वायर 49 9 का स्क्वायर 81। तो ये पूरी प्रोसेस है
कि जब आपका एक जीरो है उसका अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो उसके जितने भी आपको जीरो दिए थे उसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जितने भी जीरो दिए वो डबल। अब बात करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखो 5 क्रॉस 5 किया तो 25 आंसर आया ना, 5 क्रॉस 5 किया तो 25 आंसर आया। तो जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आता है तो ये 25 है ना वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या? 25 जो दिया है वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और जो 5 जो आपको दिया है मीन जिसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनता है उसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। वैसे ही आप देख ले 6, तो 6 क्रॉस 6 का आया आंसर 36। तो ये 6 का स्क्वायर है 36, तो 6 क्रॉस 6 36 आया तो 36 स्क्वायर हो गया और ये जो 6 आया वो आपका स्क्वायर रूट हो गया। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिया है वो स्क्वायर रूट और राइट पे जो दिया है वो स्क्वायर है।